हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y28e 5G डिवाइस के अंदर आप स्क्रीन लॉक कैसे लगाएं। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक कैसे लगाएंगे? दोस्तों, स्क्रीन लॉक में पैटर्न, पिन, फिंगर, फेस, ये सारे लॉक आप अपने फ़ोन में कैसे लगाएंगे, यही चीज़ यहाँ पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, फ़ोन में लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लॉक जब लगाते हैं तो कोई कोई लॉक को नहीं इनेबल कर पाते हैं, चाहे फिंगर हो या फेस। कोई कोई लॉक में थोड़ी कुछ ना परेशानी किसी को आ ही जाता है। तो आप अपने लॉक को कैसे इनेबल करोगे, कैसे अपने फ़ोन में उसको ऐड करोगे, अपने फिंगर, अपने फेस, सारी चीज़ यहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो बस सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए एंड तक, बाकी प्रोसेस हम आगे आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आगे और आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक लगाना है। दोस्तों, उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम यहाँ पे अपने सेटिंग को ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है, और इस तरह से आपको अपने सेटिंग को ओपन कर लेना और थोड़ी सी नीचे आना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी का ऑप्शन। तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेटिंग आ जाएंगे। तो आपको थोड़ी सी नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रीन लॉक। देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है। तो आपको पहले अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक पे ही क्लिक करना है और अपने स्क्रीन लॉक में कोई भी लॉक लगा लेना है, पैटर्न, पिन, कोई भी लॉक वहाँ पे लगाना है। इसके बाद ही आप दूसरा कोई लॉक इनेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले स्क्रीन लॉक में कोई भी लॉक यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वाइप, पैटर्न, पिन, इस तरह का लॉक यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर पिन लॉक लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे पिन लॉक लगाएंगे, तो इस तरह से आपको पिन लॉक लगाने को आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से इंटर करना है, और इसके बाद इस तरह से आपके फ़ोन में जो पिन है वो लग जाएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन शो करने को आएगा, तो आप नोटिफिकेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर डन करेंगे और इसके बाद हमारे फ़ोन में पिन लॉक लग जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप फिंगर, फेस, ये सारे लॉक आप लगा सकते हैं। इसके पहले अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा, पहले आपको स्क्रीन लॉक ही लगाना होता है। तो यहाँ पे हम फिंगर एक बार ही लगा देते हैं अपना। तो आप देख रहे हैं फिंगर भी ऐड करने को आता है। तो यहाँ पे आपको पहले अपने जो स्क्रीन लॉक का पिन होता है उसको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो जैसे हम पिन एंटर करेंगे तो जो हमारा फिंगर यहाँ पर ऐड करने को आ जाता है। यहाँ पर हम फिंगर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन में अगर कोई भी फिंगर जो भी है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो इस तरह से ये फिंगर लॉक यहाँ पे लगेगा। थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे फिंगर ऐड हो जाए। और इसको बार बार अपने फिंगर को अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे टच करते रहना, ताकि जो आपका फिंगर है पूरी तरह से यहाँ पे ऐड हो जाए। और जैसे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे डन का बटन आता है, आपको इसको डन कर लेना है। फिंगर लॉक भी लग जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिंगरप्रिंट 1 आ रहा है। और जो फेस लॉक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं फेस लॉक आ रहा है। आपको फेस लॉक लगाना है तो आपको फेस लॉक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर भी आपको अपने पिन को एंटर कर देना है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे आ रहा है आपको स्टार्ट करने को, आप इसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो फेस है यहाँ पे एंटर करने को मांगेगा, तो आप अपने फेस को यहाँ पे दिखाएंगे तो आपके फ़ोन में फेस भी ऐड हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक में पैटर्न, पिन, फिंगर लॉक और फेस लॉक इस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आज को किस तरह से आपको अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक लगाना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।